ओवर का आक्रमण शुरू किया जाए हमारे निकुंज भाई भी यहां से गुजरते हुए जाने माने निका के रूप में जाने जाते हैं हमारे भावेश भाई यूट्यूब के मालिक बहुत ही बढ़िया यहां से लगेगा ये तो सब जानते हैं जैसे अमिताभ बच्चन बता रहे हैं गेम के रूल को आपको बताइए तो चलो शुरू हो जाओ दूसरा मैच देखने के लिए जो खेला जाने वाला है ब्लैक पैंथर्स और एचआर टाइगर्स के बीच हैरी इलेवन और प्रदेश भाई इलेवन के बीच तो दो फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है लेकिन बाकी के फील्डर मिड ऑन और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी गेंद ये तीसरी गेंद मानी जाएगी रन आउट हो सकता था स्कोर की शुरुआत हुई कप्तान ने पहला रन लिया है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जा पहुंचे अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके जाने माने हमारे नील पटेल जब भी खेलते हैं बढ़िया खेलते हैं नीलू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी जो विश्वास जता है प्रीतेश भाई ऑनर्स ब्लैक पैंथर्स ने नीलू को बहुत ही बड़े पॉइंट में खरीदा था और उनको भेजा गया है सलामी बल्लेबाज के रूप में पहला ओवर एक रन बना है स्कोर बोर्ड के ऊपर दोनों टीमों आपस में कई बार भिड़ चुकी है जानी जाती है खूबी और खामी के साथ खेलते हुए हैरी गेंद करेंगे नीलू नील को लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ये बहुत अहम रहता है क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के रूप में ज्यादातर उछाल लेती हुई गेंद लेग स्टंप की छोटी को वाइड करा दिया स्कोर जा पहुंचे हैं दो रन ऑन द बॉल काफी खुश खेमा वहां पे गोलवाड़ किंग का जय पटेल वेल डन पहली जीत हासिल करने के लिए सफर कर रहे हैं आज का हर टीम को एक ही मैच खेलना है नीलू ने खेल दिया हवाई फायर फील्डर उसके नीचे आशान सा कैच ड्रॉप कर दिया मौका तो अवश्य था लेकिन हाथ से छिटक गया पूरे छह चार महीने यहाँ पे बारिश गिरी है गुजरात में गोलवाड़ में तो प्रैक्टिस कोई भी टीम की नहीं है तो ये तो अक्सर देखने को नहीं लगा कैच डाउन दो रन इस बीच नीलू ने अपना खाता खोला चार रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हैरी गेंद करेंगे नील को अच्छा बैट से निकला था और इस बार अच्छा टाइमिंग सीधा खेला है और कोई मौका नहीं फील्डरों के लिए मैक्सिमम छह कप्तान वहां पे श्वेत पटेल काफी हौसला बढ़ा रहे नील का क्योंकि बहुत ही अच्छा शॉट खेला बहुत ही देखने लायक देखनीय है हमारे भावेश भाई यूट्यूब की ओर से सीधा खेला मानो उनके कैमरे के ऊपर जाकर टकराए से एक बार खूबसूरत फुटवर्क निश्चित रूप से चार रन महेश भाई पीछा करते हुए लेकिन चार रन नहीं रोक पाए स्कोर जा पहुंचा 14 रन जय माता दी 14 रन ओके ब्रिटेश भाई काफी खुश ब्लैक पैंथर्स के ऑनर क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत भी है कोई विकेट नहीं गवाया है एक ओवर की समाप्ति 14 रन बिना कोई विकेट गवाए श्वेत और नील अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एचआर टाइगर्स के पास बढ़िया से बढ़िया बॉलर है जीत भाई मास्टर अलीपुर और वहां पे जॉब करते हैं लेकिन गोवाल के जाने माने जाते हैं जीतू भाई आ रहे हैं महेश भाई है जीवी भी आटा लिया महेश भाई भी बहुत ही बढ़िया लेग ब्रेक कर रहे हैं और काफी क्यू कर रन जीतू भाई एल पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए अक्सर साथ में खेलते हैं श्वेत नील महेश भाई जीतू लांबा सभी हरी लेकिन आज उनके सामने भिड़ी हुई टक्कर जीपीएल में उनका आमना सामना हो रहा है
जीतू भाई ने दौड़ना शुरू किया है और बल्लेबाज है कप्तान श्वेत पटेल। श्वेत स्ट्राइक के ऊपर, यहाँ पे हमारे हरी भाई एचआर टाइगर्स के उनकी फैमिली मीरा बहन और जीजाजी बता चुके हैं मैच जीत देखने के लिए स्वागत करते हैं तलाचवरा से। ये बहुत बढ़िया खेला, ये क्या बहुत बढ़िया एफर्ट, क्या एफर्ट है वो हमारे नीरल नीरल लग रहे हैं जी, नहीं कौन है नीरल, क्या तारीफ करनी होगी, बाउंड्री रोकाई अनिल भाई के सुपुत्र नीरल, बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा एफर्ट, बाल बाल बचे स्वेट, अगर चिपक जाती तो कैच आउट होता, लेकिन एक रन 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। क्या बढ़िया एफर्ट था वहां पे निगल के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग। जीतू है कीपर के रूप में, अब लेफ्ट अंडर बैट्समैन नील पटेल आए हैं तो उनके लिए फील्डिंग सजाएं दी जा रही है। पहला मैच बहुत अहम रहता है, 15 रन ऑन द बॉल, दूसरी ओवर की दूसरी गेंद आने वाली है, देखते रहिए मजा लेते रहिए, हैप्पी न्यू ईयर ऑल, साल मुबारक। इस बार भी ओ अच्छी अच्छी फील्डिंग, क्या ये क्या रन आउट हो सकता था, डेफिनेटली रन आउट हो सकता था, अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग के 100%, लेकिन बॉलर कलेक्ट नहीं पा रहा, बैक टू बैक ब्लू चांस मिले हैं लेकिन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन ऑन द बॉल, 16 रन, अच्छी बढ़िया। क्रिकेट देखना चाहेंगे तो आप आ जाइए गोलवाड़ के ग्राउंड के ऊपर, जहां पे अनिल भाई मास्टर की ओर से बहुत ही बढ़िया अपने फ्रेंड ग्रुप की ओर से पूरी तैयारी के साथ आयोजन, 16 रन। इस बार खाली क्षेत्र में खेला, पर्ले का सही इस्तेमाल, जीतू भाई को बख्शा है 4 रन के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 20। जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, बैक फुट पर जाके अपनी पसंदीदा शॉट को इंप्रोवाइज करते हुए श्वेत पटेल, और काफी खुश क्यों नहीं होंगे, बाउंड्री मिली है और अब थोड़ा सा प्रेशर जीतू भाई की ओर बॉलर के ऊपर, क्योंकि इसी अंदाज में खेलते रहेंगे तो श्वेत पटेल बहुत डेंजर हो जाएंगे। स्ट्राइक के ऊपर श्वेत, नो बॉल का इशारा हुआ है, गेंद जा रही है शॉट थर्ड मैन की निशाने, नो बॉल का इशारा, एक रन भाग कर पूरा किया, 2 रन गिनने में 22 रन, और अगली गेंद फ्री हिट आने वाली है, सही है ना अंपायर सर, हाँ फ्री हिट 22 रन ऑन द बॉल, अगली गेंद फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा, बस नील जाने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। क्या खेला है, क्या ही जीरो शॉट, कड़क आवाज कड़क शॉट, 6 रन, बहुत ही जैसे कि बहुत ही एक चाबुक शॉट खेला है वहां पर नील ने नो बॉल के ऊपर, तो स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, और वहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिला नील के द्वारा, इसीलिए ये जाने जाते हैं नील पटेल कि कोई भी ऐसी लूज गेंद मिलती है तो बॉक्स से नहीं है, कोई रैम नहीं करते, चाहे सामने हो जीतू भाई हो कोई भी बॉलर हो, तो यहाँ पे अनिल भाई की फैमिली भी मैच का आनंद लेते हुए गुजरते हुए ग्राउंड के ऊपर से, और कहीं मत जाएगा, यहाँ अनिल भाई ने पूरी व्यवस्था कर दी है खाने के लिए, और सभी आपको वेजिटेरियन मिले, पूरे गाने लगे वाले से कोई मौका नहीं, जयेश भाई के ऊपर से जयेश भाई मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाए 6 रनों के लिए, तो ये तो बहुत ही धुआंधार, जैसे कि 34 रन तूफानी, आज लेफ्ट हैंडर बॉलरों का दिन नहीं है, रितेश वैष्णव भी काफी खा चुके हैं रन, तो यहाँ पे जीतू भाई मास्टर को भी 2 छक्के लग चुके, तो बल्लेबाजी की तारीफ होनी चाहिए, बैक टू बैक मैक्सिमम 6।
क्या शॉट है, क्या बढ़िया शॉट है, ये काबिले तारीफ हो रही है। चार रन के लिए है, ईशान किशन की तरह देखते हैं और कोई रहम नहीं करते हैं बॉलरों के ऊपर। दूर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति 38 और तीसरे ऑन द बॉल नीलू की तूफानी बारी के फलस्वरूप स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है 38। दो ओवर को कोई नुकसान नहीं, कोई विकेट नहीं गिरा। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जय पटेल की माता श्री रेखाबेन बहुत खुश होगी क्योंकि उनके बेटे ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और मैच भी जीत लिया है। और आपको बता दे कि दिसंबर महीने भी जय की शादी होने वाली है और वो हमें गोलवार के अंदर वो भी यहाँ पे मौजूद है स्वीटी, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन मैच जीतने के लिए गोलवार किंग्स को। फिर एक बार लिए चलते हैं हम आपको ब्लैक पैंथर्स, प्रिटिश भाई की टीम बल्लेबाजी कर रही है। एचआर टाइगर्स की ओर से हरि भाई जो कि ऑनर है दूसरा ओवर लेकर आए। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, अब फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग फैला दी गई है, तो अब देखते हैं श्वेत पटेल क्या कर रहे हैं। 38 इस बार शुरू के पसंदीदा शॉट 6 रनों के लिए, अंपायर ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मैक्सिमम 6। डबल 4 44 ऑन द बॉल 44। रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 44। यहाँ पे हमारे जयेश भाई के छोटे भाई केतन भाई जो कि आईटीआई पार्टी में नौकरी कर रहे हैं वो भी पधार चुके हैं, स्वागत करते हैं केतन भाई केसु का। और हमारे संकेत भाई भी खेल रहे हैं ब्लैक पैंथर्स की ओर से, जाने माने हमारे गणित के स्पेशलिस्ट संकेत भाई, डीआर एग्रो डीजेस भाई और विनय पटेल भी मौजूद है। मैच का बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 44। तीसरे ओवर की दूसरी गेम अभी, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छा कमबैक हरि के द्वारा, बढ़िया गेंद। जाने जाते हैं थोड़े से लेंथ दिशा से भटके थे, फुल टॉस को बखते नहीं, फिर एक बार तैयार हरि के सामने स्वीट। ब्लॉक होल में डालना चाहते हैं, यॉर्क हॉल लेन, लेकिन यॉर्क मिल गई फुल टॉस, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, डॉट गेम, बैक टू बैक अच्छा कम बैक एचआर टाइगर की ओर से हरि के द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख गेंदबाज है एचआर टाइगर्स के हरि पटेल। फिर एक बार आमने सामने बहुत अच्छी बढ़िया गेंद हरि के द्वारा, डॉट गेंद, बैक टू बैक बैंडी गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अच्छा कमबैक कराते हुए एचआर टाइगर्स को हरि। बहुत अच्छी गेंद, बुमराह की तरह गेंदबाजी करते हुए, क्या गेंदबाजी, केवल एक रन। आखिरी गेंद आ चुकी, केवल 7 रन दिए है अभी इस ओवर में, अच्छा कमबैक हरि के द्वारा, स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 45। हाँ, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है, लास्ट बॉल नील, 2-3 चौके छक्के बाउंड्री लगाकर सामने है हरि के सामने। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन काफी क्विकर वन थी, सही फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन एक रन मिला, स्कोर जा पहुंचा 46 ओवर कंप्लीट टीम डीजे।
कर फटाफट शुरुआत छक्के चौके के साथ 8 गेंदों में 30 रन के साथ तीसरे ऊपर मौजूद है नील पटेल। अब चौथा ओवर डालने जा रहे हैं एचआर टाइगर्स की ओर से पहली बार परिवर्तन के रूप में गेंदबाजी करने आ रहे हैं महेश पटेल। जाने माटे जाते हैं गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है और मिग्ध क्राउड है अनुभवी नील के सामने महेश वो जीटू भी चकमा खा गए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा साइड लगा था, एक मिस कर गए अपॉर्चुनिटी। जीटू अच्छे कीपर के रूप में जाने जाते। स्वेत पटेल ने फिर एक बार आपस में कुछ सलाह मंत्रणा की है कि आगे कैसे इनिंग को आगे बिल्ड किया जाए और रनों की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 46 ऑन द बॉल, रन रुका हुआ है 46। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया महेश के द्वारा, फिर एक बार आमने सामने लेग स्टंप को बाहर जाती हुई गेंद, दिशा से भटके अतिरिक्त रन 47। 50 से नजदीक पहुंच चुकी है ब्लैक पैंथर्स पीटर्स भाई एम पटेल की टीम, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई। हाँ अब ओके मैन ऑफ द मैच जय पटेल को यहां पे इनाम वितरण किया जा रहा है अनिल भाई मास्टर के द्वारा। जय पटेल ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, 24 गेंदों में 69 रन 69 और खुद कप्तानी की थी। जय पटेल मैन ऑफ द मैच पिछली मैच के गोलवार किंग्स, थैंक यू वेरी मच, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। फिर एक बार मैच की ओर आगे चलते हैं जहां पे महेश भाई गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर जा पहुंचा है 48। अब पहली बार सामना करेंगे श्वेत, उनके सामने पहली बार गेंदबाजी करेंगे आज के मैच में महेश भाई पटेल। महेश गेंद करेंगे श्वेत को, कीपर काफी क्लोज, बहुत अच्छी गेंद, पहले से अनुभव का इस्तेमाल करते हुए महेश पटेल नदी चली गेंदबाजी। कोई बाउंस नहीं दे रहे, कोई मौका नहीं दे रहे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। महेश ने दौड़ना शुरू किया स्वेत के सामने, क्या बार बार बीट कराते हुए कप्तान को एचआर टाइगर्स से हैरी खुश होते हुए कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है महेश के ऊपर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। उनको चैलेंज पसंद है महेश को कि मेरी गेंद के ऊपर मारो, मैं भी अच्छा सामना करूंगा। फिर एक बार तैयार महेश और श्वेत, ग्राउंड ऊपर सिल्वर कलर में एक आइटम गाड़ी है, जरा कसर भेजो मेन मंडप में पाछा आइटम गाड़ी सिल्वर कलर में। निहल भाई गांव मान गए थे, ब्लॉक थे गए थे अपनी गाड़ी। ओके तो स्कोर जा पहुंचा है 49। अब नील क्या करेंगे, रन रेट को आगे बढ़ाएंगे 49। उनके सामने महेश, श्वेत को बहुत बीट किया, 3 गेंदों में 1 ही रन लेने दिया। अब नील है बैट्समैन, हवा में लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, बहुत ही अच्छा ओवर गुजरा है अभी तक, तारीफ करनी होगी महेश की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग समझ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 49। ड्रिंक्स इंजन लाएगा चार ओवर 50 रन, 20 रन दौड़कर पूरा किया, 50 रन पूरे थे।
जितेश भाई गेन करेंगे। जीतू भाई बहुत अच्छी गेंद थी, धूल उड़ता हुआ, मिट्टी मेरी मिट्टी मेरा देश। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पे श्वेत और नीलू के द्वारा, स्कोर रुका हुआ है 50 रन, पांचवी ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। डॉट गेंद जय माता दी, दूसरी गेंद आने वाली है, दिशा से बट के एक रन दौड़कर पूरा गया और एक ही रन भाई का वाइड नहीं दिया। 51 ऑन द बॉल, 51 स्वेट के बल्ले से छक्के भी देखने को नहीं मिले, जाने जाते छक्के के लिए स्वेट, बढ़िया बैट्समैन है, लंबे लंबे छक्के लगा दे जिदगल मास्टर उनके सामने स्वीप। अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है और फील्डर मौजूद थे वहां पे वे पटेल जिन्होंने फील की एक रन के लिए। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक काफी कवर अप करते हुए एचआर टाइगर्स, जो एक फिर एक बार नीलू को संभालना होगा। हमारे जयेश भाई बढ़िया वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए तैयार। जीतू भाई खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है किरण, दोनों एक की धर्म पत्नी है किरण, एक किरण खुद मौजूद है, जयेश भाई की धर्म पत्नी है किरण और एक किरण, दोनों फील्डर ने रोक ली बाउंड्री, नीलू को नॉन ट्रैक के ऊपर भेज दिया, एक ही रन, 53 रन ऑन द बॉल। फिर एक बार श्वेत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी चौके छक्के लगाने की, क्या मारेंगे जीतू भाई को छक्का देखना होगा। जीतू भाई दिशा से बढ़ के लेग स्टंप के ऊपर गेंद वाइड, गेंद जीतू भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, जाने माने बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज का भी रुतबा है, वो कप्तान है ब्लैक पैंथर्स के, कप्तान के सामने जीतू भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बाल बाल बचे बॉल होते हुए शिव को थोड़ा अभ्यास करना होगा कि दोनों लेग ब्रेकर बॉलर महेश पटेल और जीतू भाई ने थोड़ा सा खुलकर नहीं खेलने दिया है। डॉट गेंद, 8 ओवरों में एक डॉट गेंद बहुत अच्छा काम कर जाती है बॉलिंग एंड के लिए। बहुत ही बढ़िया कीपिंग और स्टंप आउट होते, क्या अच्छी कीपिंग, आंखों ही आंखों में चलता गया वहां पे श्वेत पटेल को, अच्छी गेंदबाजी जीतू भाई मास्टर के द्वारा, क्या बात है क्या बात है। गिरा है केवल दूसरा, पहली विकेट, पहला विकेट गिरा, स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर है 54 और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 54 रन के ऊपर एक विकेट गिरा है जो कि जीतू भाई मास्टर को मिला है। अब गेंदबाजी करने के लिए आया महेश और जो श्वेत पटेल का स्थान लेने के लिए गए हैं वहां पे दीक्षित उत्तम भाई पटेल। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 8 दिनों से आनंद हॉस्पिटल में वो उनको डेंगू हुआ था, फिर भी क्रिकेट खेलने उतरे हैं शुभमन गिल की तरह, तारीफ करनी होगी दीक्षित की, वेल डन। नॉन स्ट्राइक के ऊपर है दीक्षित, उनके साथ स्ट्राइक के ऊपर अभी है नील पटेल। यह है क्रिकेट का जज्बा, यह है क्रिकेट के प्रति लगाव, क्रिकेट के ऊपर पूरा समर्पण और अपनी टीम के लिए ब्लैक पैंथर्स की ओर खेलने के लिए उतरे है दीक्षित पटेल। स्ट्राइक के ऊपर अभी नील, बॉलर है महेश, अच्छा शॉट, सीधा खेला है दो फील्डरों के बीच से, देखना होगा, एक मौका था लेकिन मुश्किल था, लेकिन 4 रन, वेलकम बाउंड्री नील पटेल। इसी चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 58 रन 58, अच्छा शॉट था
तेजी के साथ शॉट था। फील्डर पहुंच चुके थे, हाथों में भी आई लेकिन हाथों में चिपकी नहीं, गेंद ग्राउंड से टकरा गई तो बाउंड्री रोकी और दो रन इस बीच लिए नील पटेल ने। फिर एक बार वही घमासान, बैट और बीच के बीच मुकाबला। कीपर भी चकमा खा गए। एक रन बाय के रूप में 59 रन। ये ओवर जारी है, छठा ओवर जारी है। तो अच्छा कमबैक करती हुई यहां पे एचआर टाइगर्स। जीतू भाई मास्टर का अच्छा ओवर निकला, बाद में महेश भाई ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 59 रन ये महेश भाई की है, कोटे की आखिरी ओवर होगी। और जीतू भाई मास्टर भी दो ओवर कर चुके हैं, हेरी के भी दो ओवर खत्म हो चुके हैं। तो अब देखेंगे गेंदबाजी शुरू। दीक्षित सामना करेंगे महेश का। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छे अच्छे गेंदबाज डाल रहे, मिस कर गए कीपर, एक रन बाय के रूप में। अभी भी खाता नहीं खोला है दीक्षित ने। स्कोर जहां पहुंचा है 60 रन, 60। छठा ओवर जारी है। महेश पटेल की गेंद नीलू के लिए, अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, वहां पे नीरल मौजूद है बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, जब तक अच्छी रनिंग बिटवीन लेग, रनिंग के लिए जाते हैं, काफी तेज है। दो रन 62। दिशा थे 63 रन, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद 63। लेकिन काफी खामोश हो गया स्कोर बोर्ड, एक एक से काम चल रहा है। छठा ओवर जारी है। जब से श्वेत पटेल आउट हुए तो रन काफी रुक गए, तो आखिरी की ओवर में कैसा फायदा उठाते हैं टीम का, ये भी रणनीति रही होगी प्रीतेश भाई ब्लैक पैंथर्स की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 63। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। बेसमैन का इरादा पहले से जान लेते हैं और उनकी अग्नि परीक्षा करवाते हैं महेश पटेल। क्या बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। फिर एक बार तैयार महेश के सामने नील पटेल। ये भी यार, लेकिन क्रीज के अंदर मौजूद थे, बाहर पहुंचे ही नहीं थे तो कोई मौका। लेकिन दर्शनीय गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सुपर ओवर डाला, अच्छा ओवर डाला एचआर टाइगर्स के लिए। दो ओवर बहुत ही बढ़िया गुजरे। अब यहां पे 6 ओवर खत्म हो चुके, 63। दो ओवर में कितने रन बनाएंगे, 12 गेंदे आने वाले हैं, और कौन गेंदबाजी करेगा, कैसी गेंदबाजी करेगा। नील पटेल बहुत ही डेंजर खेल रहे, जमे हुए बैट्समैन है, और दीक्षित पटेल जो कि जाने जाते हैं लंबी हिट लगाने के लिए। आओ कमेंट्री अप्पा। मित्रों पा त्रण थवा जा रहा है, जल्दी करियो। टॉप गुड एचआर टाइगर्स के कप्तान जितेश पटेल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। जितेश पटेल की अभी एक ओवर बाकी रहेगी शायद, और ये जितेश गेंदबाजी करने के लिए आए, खुद कप्तान नीलू और दीक्षित स्ट्राइक के ऊपर है। स्कोर रुका हुआ है 63। 80 बनेंगे, 90 बनेंगे, 100 क्या देखिए।
ये अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, ओ क्या बात है, 6 रनों के लिए। आनंद हॉस्पिटल का हमें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जहां 8 दिनों के लिए रुके थे, उनके ऊपर काफी प्रेशर था कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं, खेलने आएंगे या नहीं, लेकिन इतना बढ़िया कमबैक आए तो छा गए छक्के के साथ। क्या जज्बा है दीक्षित का, सलाम 6 रन के लिए। पिछले रविवार से 8 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे दीक्षित डेंगू के रूप में, लेकिन अब जब स्वस्थ हुए मैदान के ऊपर आए तो छक्का लगा दिया। क्या ताकत है, क्या जज्बा है क्रिकेट का, अच्छी कमबैक जितेश के द्वारा। स्कोर रुका हुआ 69 और भरोसा भी जता है फिटेश भाई एंड ब्लैक पेंटर्स में दीक्षित के ऊपर। वन सेकेंड फील्डर मौजूद, 6 रनों के लिए मैक्सिमम बात क्या, ये तो जिगरे वाला बल्लेबाज निकला, या क्या खेलता है। उत्तम भाई काफी खुश होते हुए, उनके पिताश्री उनको बड़ा मना किया था कि मत खेलो मत खेलो, लेकिन खेलने लिए आ गए हैं तो बढ़िया खेल रहे हैं। कौन चीयर अप कर रहे हैं ब्लैक पैंथर्स की ओर से, 2 छक्के, क्या बढ़िया 3 गेंदों में 75 रन, अपनी टीम को 75 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर ले जाते हैं दीक्षित। क्या बात है, क्या बात है, वो भी अच्छे कप्तान एचआर टाइगर्स के कप्तान जीतू के सामने, लंबे कप के जीतू गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, लेकिन एक छक्का लगता है, एक डॉट गेंद आती है, अब अगली गेंद के ऊपर क्या होता है देखना होगा। यही करिश्मा, यही सिलसिला जारी रहेगा आने वाले 3 दिनों के लिए, कहीं मत जाइएगा। ऑफ साइड को, अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी। स्कोर रुका हुआ है 75 रन ऑन द बॉल, 7वां ओवर जारी है, इसके बाद एक ओवर आएगा। हवा में गेंद, एक मिलेगा दो रन लेके लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन पूरे कर लिए। वेल रनिंग, तालियां, वेल गुड। स्कोर जा पहुंचा है 77-77। जल्दी जल्दी जाओ जाओ। काफी खुश प्रीटेश भाई एम पटेल ब्लैक पैंथर्स के ऑनर, जिनकी चुनौती के ऊपर खड़े उतरते हुए यहाँ पे नील दीक्षित से। स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 75, कितना 77 स्कोर ऑन द बॉल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77। गीतेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए लास्ट ओवर लेकर, उनके सामने सलामी बल्लेबाज उतरे थे नील, सामना करेंगे गीतेश का। पहली गेंद डॉट रही, अच्छी गेंदबाजी गीतेश के द्वारा। स्कोर रुका हुआ है 77, एम्पायर को इशारा करते हुए कीपर ऊपर आ गए क्लोज, और बॉलर और कीपर का सही तालमेल। ये गेंद हवा में, गीतेश कॉट एंड बोल्ड आउट, अच्छी सफलता गीतेश को, डेंजर बैट्समैन नीलो को आउट चलते करते हुए, लेकिन जब नील ऑटो आउट हो रहे उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छी बल्लेबाजी नील पटेल के द्वारा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, वेल डन वेल ब्लेट। वेल प्लेड नील पटेल का स्वागत करते हुए पूरी टीम, और क्यों ना बहुत बड़े खेले 7 ओवर खेले और बहुत उपयोगी रन बने।
अच्छी बैटिंग, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। उनका स्थान लेने के लिए गए संकेत पटेल। संकेत जाने जाते हैं बैटिंग के लिए, सीधा खेलते हैं और बढ़िया खेलते हैं। उनके भाई अभी दिव्य पटेल भी आने वाले बाकी हैं, जिन्हें पटेल भी बाकी हैं और बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। अभी ब्रिटेश भाई ऑनर भी बाकी हैं। ब्लैक पैंथर्स वेरी हैप्पी टू वेल बैटिंग फॉर नील। स्कोर रुका हुआ है 77। एक रन के साथ खाता खोलते हुए संदीप पटेल 78। आखिरी ओवर के रूप में डालने के लिए आए गीतेश, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, जमे हुए बैट्समैन नीलू को आउट किया, लेकिन गीतेश अब सामना करेंगे उनके सामने बल्लेबाज। दो छक्के लगाने वाले दीक्षित। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, सही चुना है एचआर टाइगर्स के हैरी पटेल ने और हौसला अफजाई कर रहे हैं बॉलर की। डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ है 78। 78 रन, जो 100 रन पार कर जाएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मुश्किल है, आखिरी ओवर चल रहा है। 8वां ओवर, अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेम, लास्ट बॉल है, रन आखिरी गेंद होगी शायद 8वीं ओवर की। दीक्षित सामने है गीतेश के, ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है, कितने रन बनाएंगे, 2 3 4, एक पूरा किया, दूसरा लेने के लिए जा रहे हैं और 2 आसानी के साथ पूरे हुए। टोटल स्कोर बने हैं 80। जीत के लिए चाहिए 81। हाँ, 81 रन बनाने होंगे एचआर टाइगर्स को। और ब्लैक पैंथर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए 8 ओवर में। दोनों टीमों को शुभकामना, नए साल की दूसरी मैच चल रही है, कम ऑन, जल्द से जल्द फील्डिंग सजाई हुई है। अगला मैच होने वाला है वो है हमारे जिग्नेश भाई की सुपरस्टार और जयेश भाई रिया चैलेंजर्स, उनको टॉस के लिए यहां पे बुला रहे हैं हमारे अनिल भाई मास्टर। अगली मैच के लिए टॉस के लिए आ जाए जो रिया चैलेंजर्स और सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा। हाँ, टॉस के लिए व्रज वहां पे बुला रहे अनिल भाई। अनिल भाई व्रज आ ही रहे थे रिया चैलेंजर्स की ओर से, टॉस करने के लिए तैयार व्रज वैष्णव सुपर स्टार भाई मित्रों जल्दी आ जाओ टॉस करवा माटे, एकदम अर्जेंट कॉल से दीपू अजय सोमो टॉस माटे आई जाओ। गाना भूपेश भाई आएंगे तभी आपको सुनने को मिलेगा, रोमांटिक गाना, तू मेरा हीरो है मैं तेरा जाना है एक दूसरे के लिए, ऐसे बहुत बड़े गाने आप सुनेंगे ये टूर्नामेंट में। लेकिन भूपेश भाई जब फ्री होंगे और यहाँ पे आएंगे तो बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है। और यहाँ पे मैं विनती करूंगा ब्लैक पैंथर्स को, जल्द से जल्द अंपायर जा रहे हो तो आपकी फील्डिंग सजा दीजिए, जीतने के लिए तुरंत पहुंचने वाले हैं एचआर टाइगर्स के ओपनर बल्लेबाज। तो यहाँ पे बीके स्पॉट काफी चलता हुआ, यहाँ पे जीपीएल में जहाँ पे भविन उनके काफी बूट बिके हैं, उनकी बैट बिकी हुई है, टी शर्ट और जो ट्रैक पैंट वो भी देख रहे हो भविन पटेल के सौजन्य से। तो भविन पटेल आज खेले भी बहुत बढ़िया और अनिल भाई और जो हितेश भाई वैष्णव की टीम थी पूजा सेंडिंग प्लेट, उनको जय पटेल की टीम ने पहले ही मैच में कड़ी शिकस्त दी, लेकिन काफी फॉर्म में है यहाँ पे भाविन भाई। कभी ओपनर के रूप में नहीं आते थे लेकिन आज ओपनर के रूप में आए, ओपनर गेंदबाजी भी की,
भविन पटेल, बीके पटेल, धन्यवाद। और एचआर टाइगर से मैं विनती करना चाहूंगा कि दोनों सलामी बल्लेबाज को भेज दिया जाए। मित्रों प्रिटेश भाई, ब्लैक पैंथर जल्द से जल्द फील्डिंग से जारी जाए, ये दूसरा ही मैच जारी है और आज चार मैच खेलने हैं। अभी रिया चैलेंजर्स और सुपरस्टार टॉस करने के लिए आ गए। हमारे व्रत तो पहुंच चुके हैं अनिल भाई, लेकिन सुपरस्टार वाले नहीं आ रहे। अनिल भाई काफी खपा हो रहा है, सुपरस्टार वाले कहां छिप गए, जल्दी से आओ टॉस करने के लिए। हाँ गाना बजाना जानू, गाना बजाओ सही पकड़े। ब्लैक पैंथर से विनती है कि जल्द से जल्द बॉलर और फील्डिंग सजा दी जाए। हमारे वन ऑफ द ऑल इन वन रौनक डेकोरेट्स के स्टार रौनक शर्मा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ब्रज वैष्णव पहुंच चुके हैं, अनिल भाई तैयार हैं अगले मैच के, वो क्या है अगले मैच के टॉस के लिए, लेकिन सुपरस्टार की ओर से कोई आ नहीं रहा है। चलो 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 ब्लैक पैंथर्स तैयार हो जाए। दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, गीतेश और हितेश, हितेश यानी हरी भाई, एचआर टाइगर्स के ऑनर हैरी। क्या बात है, पहले ही आ चुके, जबकि आमतौर पर खेलते हैरी को चौथे पांचवें छठे स्थान के ऊपर भेजा जाता था बैटिंग के लिए, लेकिन आज उन्होंने दोनों हाथों से यह मौका अपने फेवर में कर दिया और ओपनर के रूप में उतरे हैं। मुल्तान के सुल्तान की तरह हैरी भाई ओपनर के रूप में स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे, अंपायर भी रेडी है और साथ में गीतेश भी रेडी है। चलो चलो ब्लैक पैंथर्स रेडी हो जाओ गेंदबाजी करने के लिए। जैसे ही बहुत ही बढ़िया पारी खेली, वहां पे दीक्षित ने बीमार होते हुए भी हॉस्पिटलाइज होने के बाद दो ही दिनों में घर लौटे थे शनिवार के दिन, लेकिन आज खेलने के लिए आ गए और दो छक्के जड़े। तो अब यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, हमारे अनिल भाई मास्टर टॉस करवाने जा रहा है रिया चैलेंजर्स और सुपरस्टार के बीच अजय और व्रज, साथ में रेफरी है अक्षय अक्की जो फोटोग्राफी कर रहे हैं श्रीनाथ की तरह। हमारे बापू कैरी के व्यापारी विपुल जोपन के, वो भी लाल कुर्ता पहने हुए सुबह से मौजूद है, लेकिन उनके मित्र मंडल नहीं मिल रहे हैं उनको, पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार है। ऐसे ही अपने ऑनर बन जाए, टीम ले लीजिए तो ओपनिंग करने का मौका। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है रे, क्या बात है, कुल जीरो शॉट, कवर ड्राइव, चार रनों के लिए कोई मौका नहीं, दोनों भाई भी नहीं रोक सके, हैरी ने चौका लगा दिया। बॉलर के रूप में आए थे रुट्रिक को, पहले ही गेंद के ऊपर चौका, बाउंड्री ढूंढते हुए हैरी। ओके ओके सीधा खेला है, ऊंचा खेला है, ओ क्या बात है, क्या शुरुआत है। यहाँ पे हैरी ने छक्का उतर दिया है, बहुत ही शानदार छक्का, जैसे ही गेंद ऊपर मिली हाफ वॉले मिली उनके ऊपर देखा परखा और छह रन, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, जैसे जय खेले थे अपने टीम के लिए वैसे ही एचआर टाइगर्स के लिए खुद ऑनर हैरी भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस, दो गेंदों में 10 रन बना लिए। रिया चैलेंजर्स के कप्तान व्रज ने टॉस जीत लिया है। तीसरी गेंद ऑफ टाइम के ऊपर, वाइड का इशारा, वाइड बॉल ऑफ टाइम की दिशा में, परिमल परिमल पटेल व्रज पटेल आपको ढूंढ रहे हैं, व्रज ने टॉस जीत लिया है।
रिया चैलेंजर्स की ओर से। अगला मुकाबला रिया चैलेंजर्स और सुपरस्टार के बीच, तीन गेंदों में 10 रन हो चुके हैं। क्या बढ़िया शॉट हरी के बल्ले से, एक रन, चार गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। 12 रन, एक वाइड था, 12 रन, चार गेंद हुई है। गीतेश बल्लेबाज, क्या बढ़िया तालमेल हैरी और गीतेश का। ओ वाह, अंधेरी किनारा लगा, एक रन के साथ खाता खोला गीतेश ने। सी मिस कर गए कैच को लपकने में। 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए गोलवार प्रीमियर लीग 2023 को। बहुत सारे फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पे क्रिकेट के लिए। हैरी, क्या शॉट खेला है, बढ़िया खेला है और गेंद ने कैच लपक लिया मैदान की दिशा में। डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, मैदान के अंदर कैच था और मिल लिए, कभी गलती करते नहीं। लेकिन अच्छी पारी खेल कर गए हैं, अच्छा स्टार्ट देकर गए हैं। एचआर टाइगर्स के ऑनर हैरी पटेल आउट, एक विकेट पहले ओवर में। बहुत ही अच्छा कैच लपका नील ने और एक सफल डाली लाई। ब्लैक पैंथर्स के खेमे में काफी खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि डेंजर बैट्समैन की तरह उभर कर आ रहे थे। हैरी ने एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया। अब जा रहे हमारे जाने माने गेंदबाज बल्लेबाज जयेश पटेल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है आज हमारे एचआर टाइगर्स के बैटिंग लाइनअप में। जीतू को अभी विश्राम दिया गया है, वो बाद में आएंगे, लेकिन अभी आए हैं उनके बड़े भाई जयेश भाई। तो तैयारी हो रही है अगले मैच की जो खेला जाएगा सुपरस्टार और रिया चैलेंजर्स के बीच। तो बढ़िया विकेट मिला गीतेश को। हैरी ऑनर्स को चलता गया लेकिन अब बैट्समैन के रूप में उतरे हैं जयेश भाई। पावर प्ले का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं जयेश पटेल देखना होगा। कीपर काफी दूर है, बड़ी हिट लगाते हैं, जाने जाते हैं चौके छक्के के लिए। पावर प्ले लागू है, पावर प्ले में पहले ओवर में जयेश भाई पूरा सम्मान देते हैं बॉलर को। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, कोई रन नहीं, डेप गेंद, ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति, एक विकेट गिरा, 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 81 रन जीत के लिए बनाने हैं। पहले ओवर में बने 13 रन। दीक्षित पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली गेंद बहुत ही अच्छी डाली, उनके सामने गीतेश दीक्षित। हवा में गेंद, पूरा मौका है फील्डर के पास लेकिन दो फील्डर तीन फील्डर के बीच गुजरी, वन बाउंस बाउंड्री। गीतेश को बाजी का साथ मिलता हुआ, चार रनों के लिए गेंद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है, 17 रन, सही है ना। सत्रह रन ऑन द बोर्ड, एक ओवर समाप्त हुआ है, दूसरा ओवर शुरू हुआ है।
पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री, पावर प्ले लागू है। पावर प्ले में कितने रन बनते हैं एचआर टाइगर्स के देखना होगा। दीक्षित गेंदबाजी करेंगे गीतेश को। ये बहुत बढ़िया शॉट, चार रन, कोई मौका नहीं। जैसे ही मिड ऑफ शॉट मिड ऑफ के फिंगर को बीट किया, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई चार रनों के लिए। ब्लैक पैंथर्स के लिए सोचना होगा कि ये गीतेश जैसे जैसे बाउंड्री लगा रहे तो फॉर्म में आएंगे, वो बढ़िया बैटिंग करेंगे। 21 रन स्कोर बोर्ड 21। इस ओवर में दो बाउंड्री आ चुकी है, 8 रन बने हैं, 21 रन ऑन द बोर्ड। मैदान की दिशा में खेल दिया, फील्डर मौजूद है, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पे फील्डर के द्वारा। एक रन गीतेश को मिला, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। आने वाली गेंदों में कितने रन बनाते हैं जयेश भाई देखना होगा। पावर प्ले है तो पूरा फायदा लेना चाहेंगे। ए क्या बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, पत्ता नहीं वाला कैच, बढ़िया कैच। स्वेट की जितनी तारीफ करना चाहेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दीक्षित के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, बीमार होते हुए फिर भी जीते टीम के लिए 100% एफर्ट। आउट हुए जयेश भाई, कोई अपनी टीम के लिए खास योगदान नहीं देकर गए, उनको आज प्रमोशन मिला था, लेकिन फिलहाल बेरा ये बेरोस्ता है। जीतेश जीतू भाई बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं जयेश भाई का स्थान लेने के लिए। बाईस रन ऑन द बॉल 22। बाईस रन 22। हर्षद भाई उका भाई पटेल यूएसए सीतांजलि फाउंडेशन ना मालिक एम ना वटी आपड़ी वच्चे उद्घाटन में आया था। नरेश भाई जय जोगी, शिलाबेन नरेश भाई जोगी, नील नरेश भाई जोगी, विपुल भाई जोगी, सीताबेन विपुल भाई जोगी एम ना परिवार साथ हमने उद्घाटन में खूब सरस हाजरी आपी, हमें आपकी टूर्नामेंट ने चार चांद लगाया। सीतांजलि फाउंडेशन तरफ थी आपकी आ टूर्नामेंट माटे 30,000 ટ્રોફી અને રોકડ ઇનામ મળ્યા છે। આભાર સીતાંજલિ ફાઉન્ડેશન નો, સાથે જ વિઘ્નેશભાઈ એમ પટેલ લાલાભાઈ પણ ઉદઘાટન સમારંભમાં આપણી વચ્ચે હાજર હતા। તો બે ઓવર કી સમાપ્તિ, સ્કોર 23 રન, હા હા બે ઓવર 23 રન ઓર 80 રન બનાયે થે ब्रिटेश एम पटेल की ब्लैक पैंथर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और दो ओवर में बन चुके 23 रन, 81 रन तक पहुंचना है। और जो वहां पे ऑक्शन हुआ था, वहां पे जो बल्लेबाज तो बहुत अच्छे चुने थे, लेकिन अब गेंदबाज ढूंढ रहे, तो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं डीवीएस डीआर एग्रो जो चलाते हैं यहाँ पे फडवेल चौकड़ी के ऊपर। डीवीएस पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन हट चुका है, फिर भी सर्कल के अंदर पांच खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो वो सेटिंग करते हुए पहली गेंद, अच्छी गेंद गई। डीवीएस जो कि कब से एक महीने से ये ग्राउंड के ऊपर सुबह में मॉर्निंग वॉकअप करते हुए प्रैक्टिस कर पूरी कर चुके हैं, पिच को जान चुके हैं। अपूर्व पटेल जो कि
आर्या आर्या दानर खा से तो जा चुके हैं। और सिंगल लिया, जीतू ने अपना खाता खोला, कप्तान है एचआर टाइगर्स के जीतेश। लेकिन गीतेश बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए दो चौके मार चुके हैं। गीतेश 80 रन, क्या 6 ओवर में खत्म कर पाएंगे देखना होगा। जैसे जल्द से जल्द मैच खत्म होगा तो आज के दिन का 4 मैच भी खत्म हो जाएगा। अभी काफी रोशनी खुली हुई है, 3:05 हो चुके, अंपायर रेडी है, बॉलर है डीवीएस। ये थोड़ी क्यूकरवन गेम थी, अच्छा खेला गीतेश ने 1 रन के लिए। अब जीतू लंबी हिट लगाएंगे या नहीं देखना होगा। बहुत आसान है, बैटिंग विकेट है, बॉलर को कोई मदद नहीं मिल रही है। मौका था श्वेत पटेल के पास लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। अच्छी फील्डिंग, कैनिल पटेल जाने जाते हैं, नील के छोटे भाई कैनू की बहुत ही बढ़िया चीते की तरह। लेकिन फिलहाल तो हमारे पूरे साधक पर गुलवाड़ और चिखली में दीपड़ा छाया हुआ है। जो छोटी प्रजाति मानी जाती है चीते की, लेकिन दीपड़े से घबराए मत। हाँ। और गीतेश की हवा में कॉट एंड बॉल का प्रयास, देख रहा होगा और आउट। वेल कैच आउट। छब्बीस रन के ऊपर ये विकेट गिरा है। दूसरा हेरी आउट हो चुके हैं, गीतेश आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए नीरल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। विकेट से अच्छी मदद मिल रही है डीबीएस को और उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। नई गेंद है, बहुत ही बढ़िया ओवर गुजरा वहां था डीबीएस ने, शानदार गेंदबाजी, 1 विकेट लिया, फॉलो थ्रू में कैच लपका, बहुत ही शानदार शुरुआत। ये साल बहुत ही अहम रहने वाला है डीबीएस के लिए। जल्द से जल्द बॉलिंग का आक्रमण शुरू किया जाए और चौथा ओवर शुरू किया जाए। जरे आपकी बीजी के डीजी ओवर चल रही है, अगली कोने ओवर न खावे थोड़ा विचारी ले जाओ। बने बने खिचड़ी डीजे वाले प्रेयस भाई गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। प्रेयस यू सी वन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रेयस के द्वारा, पहली गेंद जीतू को थका दी। क्या करेंगे जीतू प्रेयस के सामने, लेफ्ट ऑन राउंड विकेट, कट कर लिया है जीतू ने कलाई के साथ। अच्छी फील्डिंग कैनू के द्वारा, अच्छा थ्रो, 2 रन इस बीच 2 रन 28 ऑन द बॉल। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट करा रहे हैं वहां पे
हमारे भावेश भाई हाँ यूट्यूब के मालिक भावेश भाई की ओर से इस प्रसारण देखिए, मजा लीजिए। अपील हुई है लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। हैरी और जयेश भाई का विकेट मिलने के बाद काफी फॉर्म में आ चुकी है टीम वहां पे ब्लैक पैंथर्स। प्रयास डीजे गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी वहां पे, वहां बहुत ही बाहरी अंदर किनारा लगा और अंपायर ने समझा कि कॉट बिहाइंड और अपील भी बहुत ही जोरदार थी तो आउट हो चुके हैं वहां पे जीतेश। एक आधार स्तंभ माने जाते हैं एचआर टाइगर्स के, उनका विकेट यहां पे गिर चुका है। तो ये विकेट जो बहुत ही अच्छा गिराया है वहां पे डीजे वाले भाई प्रेयस ने, स्कोर रुका हुआ है भैया, कितना स्कोर 28 रन, 28 रन जीत के लिए पहुंचना है 81 तक, 28 तो हो चुके हैं। अब हाँ जो विवेक राजा इलेवन में जो कप्तान है चेतन को 5 गेंदों में 5 छक्का लगाने वाले चीना भाई बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं, बहुत ही फेमस है चीना इज ऑन द स्ट्राइक। जब भी खेल रहे बेकऑफ यार खेल दिया है, 6 रनों के लिए मैक्सिमम, जीने के लिए कोई मौका नहीं, 6 बल्ले बल्ले। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, स्कोर बोर्ड ज्यादा पहुंचा। बहुत ही बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी चीना के द्वारा जाने जाते ड्रीम खेल चुका हुआ। तो हम आपको नया एक अपडेट देते हैं कि रिया चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, तो सुपरस्टार इलेवन के कप्तान से विनती है कि वो बैटिंग करने के लिए तैयार रहे, उनको बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है रिया चैलेंजर्स ने। रिया चैलेंजर्स इलेवन पहले फील्डिंग करेंगे। चार 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 ओवर 40 रन 4 विकेट 4-4-4। जिनेश भाई काफी खुश, दिव्येश भाई काफी खुश, 40 रन बने। अब अगले आने वाले 4 ओवर में 41 रन जीत के लिए चाहिए, 24 गेंदों में 41 रन। 4 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है 40 रन 4 विकेट गिर चुके हैं। हैरी आउट हो चुके हैं, जीतू आउट हो चुके हैं, जयेश आउट हो चुके हैं और गीतेश, बड़े बड़े बल्लेबाज जा चुके हैं लेकिन अच्छे अच्छे बल्लेबाज अभी भी बाकी हैं। नीरल बैटिंग कर रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर और चीना भाई नो स्ट्राइक के ऊपर 2 बैक टू बैक छक्का लगाने वाले हैं और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हुए दीक्षित और अपनी टीम के लिए 5 ओवर लेकर आते हुए ड्रिंक सिंडल के बाद पहली गेंद।
अच्छा शॉट, एक रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन से नहीं रोक पाए डीवीएस। स्कोर आगे बढ़ता है 41, अब 40 रन चाहिए 23 गेंदों में। 41 रन बन चुके, 40 रन जीत के लिए चाहिए एचआर टाइगर्स को। क्या वो कर पाएगी? उनके हाथ में 6 विकेट है, 4 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन बॉलर्स दीक्षित है। हवा में गेंद, हवाई फायर मारना चाहते थे, आउट हो चुके हैं वहां पे चिन्ना में। पांचवी विकेट गिरी, पांचवी विकेट का पतन। स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर रुका हुआ है 41-41। भाई लगाता ना बजो, कौन आयो आने उठे के डाला कौन ऊपर है? हाँ, अब किरण उतरे बैटिंग करने के लिए, जो अभी अभी आउट हुए थे चिन्ना भाई। विकेट दीक्षित को मिलने वाला दूसरा, दो विकेट चटका चुके हैं दीक्षित, दो छक्के भी मारे थे उन्होंने बैटिंग में। किरण जो रामू पवार, रामू के नाम से पहचाने जाते हैं किरण। दीक्षित किरण पवार के सामने, अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है किरण के बल्ले से। ये बाउंड्री आई, वेलकम बाउंड्री, काफी सूखे के बाद एक आशा की किरण, किरण के बल्ले से चौका, स्कोर जा पहुंचा है इसी चौके के साथ 45-45 रन। पांचवा ओवर जारी है, अभी भी 3 ओवर का खेल और आएगा इस ओवर के बाद भी। फील्डिंग ने परिवर्तन कर दिया है, किरण के लिए संकेत को भेज दिया है फील्डिंग के लिए। 45 रन, पांचवा ओवर जारी है। अंपायर दौड़ना, अंपायर अगर नो बॉल देंगे, अभी बॉलर ने दौड़ना शुरू किया और कोई भी फील्डर आवाज करेंगे तो सीधा खेला है और बढ़िया खेला है किरण, अभी अच्छी रनिंग करते हुए एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं निरल, युवा है, उभरते हुए है, पीछे वाकिफ है, लोकल बॉय है, यहाँ पे जाने जाते हैं निरल। ये पांचवा ही ओवर है, अभी लंबा खेलना है, छठा ओवर आएगा, सातवा आएगा, आठवा आएगा, आठ ओवर का मैच, 81 तक पहुंचना है, 46 तक पहुंच चुके हैं। फील्डिंग में परिवर्तन बार बार, फाइनल की दिशा में खेल दिया है, गेंद तेजी के साथ जा रही है कैनो के हाथों से और ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। अभी हम बात कर रहे थे निगल युवा है, वो बढ़ते हुए बढ़िया खेलते, 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे 50 रन, 50 एचआर टाइगर्स 50 रन के स्कोर के ऊपर पहुंचती हुई, और अभी जीत के लिए केवल 31 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर, 18 गेंदों में 31 रन। बॉल
बड्डू 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 अरे वारा फटी रमिया करो चला जा कौन मुंगे अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं ऋतिक आने इनकोटा रिप्लेइंग में ये बहुत बढ़िया खेल है संकेत पटेल बाउंड्री रोकने के लिए तैयार अच्छी फील्डिंग संकेत इंजर्ड है लेकिन अच्छा थ्रो और दो रन पूरे किए हवा में काफी देर तक थ्रो रहा इसीलिए दो रन पूरे किए दो रन पुलिस वाला है ये किरण भाई पुलिस वाला है तो उतनी फिटनेस काफी बढ़िया जंपिंग झपाक जंपिंग झपाक दो रन के साथ टीआरडी में जॉब करते हैं किरण और बहुत बढ़िया दौड़ते हैं बैटिंग भी बढ़िया लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं किरण स्ट्राइक के ऊपर सामने रिपीट बाहर जाने वाली गेंद को कोई छोड़ा नहीं और निरल की बहुत अच्छी स्विंग बहुत बड़ी अपील हुई और रन आउट है बावन रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अब कितनी छह विकेट गिर चुके हैं पांच विकेट गिरी है छह विकेट गिर चुके छठी ओवर चल रही है अभी दो ओवर का खेल बाकी अब वेद पटेल उठ रहे बैटिंग करने के लिए और उनका किरण भाई है नॉन स्ट्राइक के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है कि आठ ओवर पूरा खेला जाए और जीत के लिए पहुंचना है 81 रन तक और स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है अभी रुका हुआ 53 अच्छे रिदम में आ चुके हैं ऋतिक ये पीच अच्छा है ये अभी छठा ओवर जारी है तो अभी भी दो ओवर का खेल बाकी है और रन ज्यादा चाहिए नहीं है 81 तक पहुंचता है 53 रन बन चुके वेद सामना करेंगे ऋतिक का अच्छा खेल रहा है किरण नॉन स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर वेद अच्छा ऑन साइड की दिशा में खेला है वहां पे रन आउट का चांस है लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पे एक अच्छा जीवन दान ऑनर प्रीतेश जो कि खान खनिज में एक नौकरी करते हैं उन्होंने छोड़ दिया वो छोड़ते ही है लेकिन दिल बहुत बढ़िया करते हैं तो अब स्कोर जा पहुंचा 54 ओ लंबे कद के बल्लेबाज है खड़े खड़े खेलना चाहते थे गेंद नीचे रही उछाल नहीं मिला डॉट गेंद बिंदी गेंद अभी भी एक छठा ओवर जारी है आखिरी दो ओवर कौन लेकर आएंगे देखना होगा 54 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हवा में गेंद लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं एक रन दो रन हो सकते हैं लेकिन अभी अभी नहीं एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा तो स्कोर बोर्ड जा पहुंचा एक रन के साथ 55 अभी भी छठा ओवर जारी है इसके बाद और दो ओवर आने वाले हैं सातवां और आठवां 55 हो चुके हैं लक्ष्य इतना बड़ा नहीं लेकिन अभी भी ओवर जारी है छठा अच्छा खेला है कवर ड्राइव खेला है संकेत भाई की दिशा में वेद ने खाता खोला इसी एक रन के साथ बहुत बड़ा लंबा थ्रो लेकिन अच्छा कवर अप स्कोर जा पहुंचा है 56 बारह गेंदों में 25 रन चाहिए केवल 12 गेंद स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है 56 रन अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 25 रन 12.5 की औसत से
कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोनों टीम के लिए बहुत ही अहम मुकाबला, एचआर टाइगर्स और ब्लैक पैंथर्स के बीच ये मुकाबला आज के दिन का दूसरा ही मुकाबला। पहला मुकाबला जीत लिया था गोलवार किंग्स ने। अब डीवीएस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर शायद कौन डालेंगे देखना होगा, लेकिन अभी भी बॉलर ढूंढते हुए यहां पे वेद पटेल है स्ट्राइक के ऊपर। पहली मैच हार चुकी थी पूंजा सेंटीग्रेड। वेद सामना करेंगे डीवीएस का, डीवीएस की गेंद वेद के लिए, एक रन के लिए दौड़ पड़ है हिटिंग द विकेट। 11 गेंदों में चाहिए 24 रन। ये बहुत ही रोमांचक मैच आगे बढ़ता हुआ दोनों टीमों के लिए। दिल थाम के बैठिए, कहीं मत जाइए, ये गोलवाड़ का ग्राउंड है, बहुत अच्छे अच्छे मुकाबले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आ रहे हैं डीवीएस, उनके सामने है किरण, बढ़िया बैटिंग करते हुए। एक रन के लिए दौड़ना चाहिए और दौड़ पड़े, ये रन नहीं होना चाहिए था, हो गया बाई के रूप में। 10 गेंदों में 23 रन चाहिए, आसान है। डीवीएस ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का आखिरी ओवर, वेट के सामने डीवीएस, 10 गेंदे 23 रन। ऑप्टम के ऊपर मिस कर गए, लंबी हिट लगाना चाहते थे, टाइमिंग नहीं हुई, बल्ले के ऊपर नहीं आई, मिडिल ऑफ द बैट नहीं हुई, डॉट गेंद, बिंदी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी डीवीएस के द्वारा। फिर एक बार तैयार है, अभी भी 9 गेंदे 23 रन। और नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट आएगी, नो बॉल आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नो बॉल आया है। 9 गेंदों में 22 रन चाहिए, अगली गेंद फ्री हिट होगी। एम्पायर काफी मुस्तैद है, जानकार है और पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं। तो अब देखना होगा, ये थ्रो बॉलिंग के जरिए बाहर निकाला गया है, तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे डीवीएस बॉलिंग करने के लिए। नौ गेंदों में 22 रन चाहिए और आने वाली गेंद फ्री हिट होगी। मित्रों जल्दी कर दो जाए, अभी बे मैच रनवानी बाकी थे, पूरे पूरी बे मैच अभी बाकी थे रनवानी। साढ़ा त्रण बाजी चुक्या है, आपकी पास अभी कलाक है, बे मैच पटावानी है। तो फ्री हिट, अगली गेंद फ्री हिट, 9 गेंदों में 23 रन चाहिए। ये डीवीएस को एक्शन थ्रो के रूप में बाहर कर दिया है, अब अगले टूर्नामेंट में नहीं गेंदबाजी कर पाएंगे। मित्रों एम्पायर फ्री हिट रहे, नो बॉल आपने चले, फ्री हिट के अंदर पे, ओके फ्री हिट, 9 गेंदे 23 रन चाहिए। पहली बार श्वेत पटेल गेंदबाजी करेंगे डीवीएस की जगह। सीधा खेला है, खूबसूरत खेला है फील्डर मौजूद, लेकिन मिलने कैच शॉट छोड़ दिया, ड्रॉप कैच, एक रन, छक्का रोका, बाउंड्री रोकी, खूबसूरत फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। ये भी ऐसे कैच आउट नहीं माना जाएगा, फ्री हिटिंग, दो बाउंड्री रोकी, बढ़िया फील्डिंग। 8 गेंदों में 22 रन, 21 रन चाहिए 8 गेंदों में, 8 गेंदे 21 रन।
अच्छा खेला है किरण पटेल ने डीएस किसान के ऊपर, एक रन पूरा किया है। बीस रन चाहिए अभी भी, कोई मुश्किल नहीं, आसान नहीं, लेकिन मजा आने वाला है। देखते रहिए मैच के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक ये गेम चलने वाला है। आठ ओवर का खेल बहुत बढ़िया होने वाला है। ऑन साइड की दिशा में खेल रहा है, फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ लिया वहां पे, आउट। वेट पटेल इज आउट। ताली बजा के सामने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा और गर्वकत पर मौका ही लो, हाथ में पड़ी घोड़ी। बहुत ही अच्छी बैटिंग करके वहां पे गए वेद, उनको बहुत पीछे स्थान मिला सातवें क्रम के ऊपर। जयेश पटेल उतरे थे ओपनर के रूप में, वन डाउन के रूप में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन युवाओं को ये मौका मिलना चाहिए, अपने पुराने खिलाड़ियों को पीछे जाना चाहिए। यहाँ पे स्कोर बोर्ड नहीं है, वहां पे छमावीस के लिया एक सेट पर अटैर अटाई कुछ है। एक सेट ब्लैक पैंथर्स की ओर से किरण पटेल स्ट्राइक के ऊपर, किरण पटेल एचआर टाइगर की ओर से बॉलर के रूप में आए हैं। प्रेयस डीजे प्रेयस ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, उसका पीछा कर रहे हैं और गेंद चार रन के लिए। किरण को एक बाउंड्री मिलती है। पांच गेंदों में 16 रन चाहिए, फुल टॉस को अच्छा मौका बनाते हुए। पांच गेंदे 16 रन, नो बॉल और फ्री हिट, तो पांच गेंदे 15 रन चाहिए। छह गेंदों में 15 रन, हाइट ना नो स्टम्पिंग पट्टी। फिर एक बार फील्डर्स गेंद हवा में है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, दो रन मिल सकते हैं। किरण दे दौड़ कर जा रहे, संकेत दो रन नहीं रोक पाए, दो रन पूरे किए फ्री हिट के ऊपर। अब पांच गेंदे आने वाली है और जीत के लिए चाहिए केवल 13 रन, 68 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 68 ऑन द बॉल। पांच गेंदों में 13 रन चाहिए, पांच गेंदे 13 रन। एक गेंदों के ऊपर आ चुके थे रन, 7 रन बने। फील्डर लगा दिया गया है गली के ऊपर, खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, जुनैद पटेल फील्डर, बढ़िया फील्डर है जुनैद, जाने जाते हैं और रन आउट है। एक रन गिनती में लिया जाएगा, एक रन तो गिनती में लिया जाएगा। चार गेंदे आने वाली है, 12 रन चाहिए, चार गेंदे 12 रन, 69 ऑन द बॉल। अगला मैच बहुत ही होनहार होने वाला है, खूंखार होने वाला है, क्योंकि रिया चैलेंजर्स और सुपरस्टार आपस में भिड़ेंगे। सुपरस्टार में इतने सुपरस्टार हैं, दिग्नेश भाई खंडीवाल और यहाँ पे जयेश भाई रिया चैलेंजर्स के बीच मुकाबला, बहुत ही अहम कांटे की टक्कर।
પાણી લઈને આજ કોણ હો કે કોઈ મગજ માં નહીં પૂછે એ બાર બોલ માં કેટલા છે મેં ઈશારા કરું ને તારે આવી જો ચાર બોલ માં બાર નાચી હો કે નાચે તો મેં જીતતા તારો પેલો ચાર ગેંદો મેં 12 રન ચાહીએ અબ આયે બેટિંગ કરને કે લિયે જીતુભાઈ માસ્ટર चार गेंदे आने वाली है 12 रन अगर टाई होता है तो क्या करेंगे टाई टाई सुपर ओवर चार गेंदे 12 रन जेनु बारवा प्लेयर वाह 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 ड्रिंक्स वाले ये गेंद सीधा खेला है एक के लिए यादव के लिए नीलू बहुत है बढ़िया फील्डर और इस प्रकार ये दो रन नहीं हो पाए रन आउट की रन इज आउट पुलिस वाला पकड़ा गया रन आउट के रूप में की रन इज आउट ये हो सकता था लेकिन रनिंग बिटवीन में कुछ काफी लेजी रह गए एक रन गिनती में ले जाएगा तीन गेंदे 11 रन दो छक्के मार दो भैया या तीन चौके मार दो लेकिन ये क्या हो रहा है हरी भाई बैक टू बैक बैट्समैन पवेलियन आ रहे रन नहीं मार रहे ये काफी आपस में चर्चा मंत्रणा की बात होगी हरी भाई के लिए एचआर टाइगर्स के लिए अभी भी कुछ नहीं कहा जाएगा तीन गेंदे आने वाली है 12 रन जीत के लिए चाहिए 11 रन जीत के लिए एक रन अभी दौड़कर पूरा किया था एक रन दूसरे रन के लिए आउट हुए थे तीन गेंदे आते आदमी तो सुपरस्टार जय 11 जय तो बहुत खराब मारा ने बहुत भारी रन मारा चौबीस बॉल में अग्न 70 दौड़ पड़े नहीं नहीं लेना नहीं रन आउट बहुत हुए जी नहीं बहुत ही बढ़िया फील्डर है तो ब्लैक पैंथर जीत की ओर अग्रसर होती हुई दो गेंदे आने वाली बाकी है दो गेंदों में चाहिए जीत के लिए 10 रन बबन भाई बेमान 10 दो गेंदे 10 रन दो बाउंड्री से काम नहीं चलेगा एक मैक्सिमम लगाना पड़ेगा जीतू भाई क्या ओवर ब्रिक के ऊपर से आलीपुर की ओर मार देंगे देखना होगा लेफ्टी बैट्समैन है तो कुछ भी कर सकते हैं रविंद्र जाडेजा जैसे छक्का मारकर तलवार चलाते वैसे जीतू भाई को देखना होगा जीतू भाई फुल टॉस वाइड और नो बॉल सब देखा जाएगा गेरा मनी मले टोण टोणे गेरा मनी गेरा में टोण नहीं मले संकेत जो जीतू भाई लिफ्टी के लिए पूरा स्क्वायर लेग खाली है यहाँ पे आने दीजिए जीतू भाई कमेंट्री की ओर क्या मारेंगे बैठकर मारेंगे या खड़े खड़े ये मारा है लेकिन नहीं हाथ बैट में नहीं लगा ये क्या बिंदु गेंद डॉट गेंद और पूरी तरह ब्लैक पैंथर्स जीत की ओर अग्रसर होती हुई वन बॉल और एचआर टाइगर्स के लिए बहुत ही जीत के आसार नहीं के बराबर पाकिस्तान जैसे खेली थी मैच वही था ये अच्छी गेंदबाजी डीजे वाले प्रयोग भाई छा गए बढ़िया खेले ब्लैक पैंथर्स बढ़िया खेले अपनी लिमिटेशन कोई बॉलर नहीं था लेकिन हरा दिया बॉलरों वाली टीम एचआर को